मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को वर्तमान बांग्लादेश में ढाका के पास शिराटाली गांव में हुआ था। उनके पिता जगन्नाथ साहा गांव में एक किराने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्हें एक मिडिल स्कूल में भर्ती कराया गया जो घर से 7 मील दूर था। वह स्कूल के पास एक डॉक्टर के पास रहा और उसे बोर्डिंग और लॉज का भुगतान करने के लिए उस घर में काम करना पड़ा। इन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वह ढाका मध्य विद्यालय परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे, इस प्रकार एक सरकारी छात्रवृत्ति हासिल की और ढाका राजकीय विद्यालय में शामिल हुए 1905 में। बंगाल में महान राजनीतिक अशांति व्याप्त थी, जिसका कारण अंग्रेजों द्वारा मजबूत जनमत के विरुद्ध प्रांत का विभाजन था। मेघनाथ साहा उन कुछ वरिष्ठ छात्रों में थे जिन्होंने तत्कालीन राज्यपाल द्वारा यात्रा का बहिष्कार किया था, सर बम्पफेल्ड फुलर, और एक परिणाम के रूप में अपनी छात्रवृत्ति को जब्त कर लिया और संस्था को छोड़ना पड़ा। फिर वह किशोरी लाल जुबली स्कूल में शामिल हो गए, जहां उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। पूर्वी बंगाल के छात्रों के बीच पहले स्थान पर उन्होंने अपने प्रमुख के रूप में गणित के साथ प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक किया। फिर वह कोलकाता में नव स्थापित साइंस कॉलेज में एक व्याख्याता के रूप में शामिल हुए और भौतिकी में अपनी शोध गतिविधियों का अनुसरण किया। 1920 तक मेघनाथ साहा ने खुद को उस समय के प्रमुख भौतिकविदों में से एक के रूप में स्थापित किया था। तत्वों के उच्च तापमान आयनीकरण और स्टेलर वायुमंडल में इसके अनुप्रयोग, जैसा कि साहा समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। उनका सिद्धांत आधुनिक खगोल भौतिकी के लिए मौलिक है। उनके विचारों के बाद के विकास में वृद्धि हुई है। तारकीय वायुमंडल के दबाव और तापमान वितरण का ज्ञान। 1920 में साह इंपीरियल कॉलेज लंदन और बाद में जर्मनी चले गए। 2 साल बाद वे भारत लौट आए और कलकत्ता विश्वविद्यालय में खैरा प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। फिर वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए और 1938 तक इलाहाबाद में विज्ञान अकादमी, अब राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के रूप में जाना जाता है, की स्थापना की। 1927 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वह 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय लौटे, जहां उन्होंने स्नातकोत्तर भौतिकी पाठ्यक्रम में परमाणु भौतिकी शुरू की। 1947 में उन्होंने भारतीय परमाणु भौतिकी संस्थान, अब परमाणु भौतिकी संस्थान के रूप में जाना जाता है, की स्थापना की। बाद में अपने जीवन में साहा ने पूरे भारत के साथ साथ राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन में प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए वैज्ञानिक संस्थानों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। सुनने के लिए धन्यवाद।